हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे, स्वागत है आप सबका आज के खास कार्यक्रम में। आज की हमारी खास पेशकश है राजा नल का खजाना, मध्य प्रदेश का शिवपुरी, शिवपुरी का नरवर गांव। गांव में एक शाही किला जिसकी दीवारों में कैद है कई रहस्य, जिसके परकोटों में करवट ले रहे हैं अबूझे किस्से, किस्से जो बुने हैं तिलस्मी रेशों से। तिलस्मी किले का एक एक पत्थर खामोशी से देता है उस खजाने का पता जो मौजूद है यहां सदियों से। नरवर पर मुगल शासक औरंगजेब और राजपूतों और सिंधिया शासकों ने भी राज किया, इसलिए यहाँ के किले में समय समय पर हुए परिवर्तन के निशान भी देखने को मिलते हैं। नरवर में कछवाहों का भी राज रहा है और आलाखंड की 52 लड़ाई का भी नरवर गवा रहा है। सुनसान रास्ते, वीरान पहाड़ियां और सन्नाटों में डूबा किला, किले की फौलादी दरवाजे में प्रवेश करते ही शुरू होती है एक तिलस्मी दुनिया। जिसकी बुलंद दीवारों में दफन है कई राज, इसी किले में लिखी गई है उत्थान पतन और हार जीत की कई गाथाएं। जी हां, ये है नरवर का किला। शिवपुरी से 50 किलोमीटर दूर घनघोर बियाबान में आबाद है ये किला, लेकिन ये किला अपनी भव्यता की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि उस खजाने के लिए मशहूर है जो सदियों पहले यहां दफनाया गया था। वो खजाना था इक्ष्वाकु वंश के लोकप्रिय राजा नल का। बहुत सैकड़ों वर्ष पुराना है ये राजा नल के खजाने की पसर देवी माता सुरक्षा कर रही है। लेटी गई है, पहले खड़ी थी, अब ये सुरक्षा कर रही है। खजाना अक्षुण था, वो खजाना रहा है ऐसा लोग बताते हैं। तो ये बात सही है कि पसर देवी की मान्यता है, उस मंदिर पर लोग जाते हैं, कुछ लोग उनको देवी के रूप में पूजते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि वो खजाने की रक्षा कर रही हैं। इन्हीं सीढ़ियों गलियारों और खंडहरों से होकर गुजरता है उस खजाने का रास्ता। ऐसी कहावत है कि इक्ष्वाकु वंश के लोकप्रिय राजा नल का खजाना इसी किले के तहखाने में रखा हुआ है। लेकिन उसी तहखाने के ऊपर पसर देवी का मंदिर है, जिसमें लेटी हुई देवी की प्रतिमा है। कहते हैं कि देवी उस खजाने की रक्षा आज भी कर रही है। राजा नल का जो वर्षों पुराना किला है, राजा नल जुआ खेलने के शौकीन थे, उनका भाई था पुरकर, उसने राजा नल को धोखे से हरा दिया, इसलिए माता रानी पसर देवी ने उनको रोका और रास्ते में पसर गई, उनके खजाने की रक्षा कर रही हैं। किले में सोना चांदी हीरे और जवाहरात के भंडार होने के बावजूद कोई इसे नहीं निकाल सकता। किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस खजाने को हाथ लगा सके, क्योंकि ऐसी कहावत है कि तहखाने में दफन खजाने की हिफाजत देवी खुद करती है।
लेकिन फिर भी लोग दूर दूर से खजाने की लालच में यहाँ चले आते हैं। लेकिन खजाना आज तक किसी के हाथ नहीं लगा और लोग बेरंग ही यहाँ से लौट जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीसी 24। कहते हैं कि किले में तहखाने में दफन खजाना राजा नल का राजकोष था। राजा नल एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध राजा है। शिवपुरी इलाके में राजा नल से जुड़ी एक बिल्कुल नई कहानी सामने आती है। कहते हैं यहाँ वो जुआ के चलते अपना सब कुछ गवा बैठे थे। राजा नल के खजाने की ख्याति दूर दूर तक फैली है। खजाने को लेकर हमेशा से कई किस्से कहानियां प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि राजा नल जुआ खेलने के बड़े शौकीन थे। उनके जुए खेलने का हुनर किसी से छिपा नहीं था। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को राजा जुए में पानी पिला देते थे। राजा रजवाड़े के उस दौर में कोई भी राजा नल को जुए में मात नहीं दे पाया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसके बाद राजा एक ही झटके में अर्श से फर्श पर आ गए। लोगों के मुताबिक एक दिन राजा नल के सौतेले भाई राजा पुष्कर और राजा नल के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें राजा सौतेले भाई पुष्कर से वो सब हार गए। हार में सारा राजपाट गवाने के बाद राजा ने किले को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। जुए के खेल में सब कुछ गवाने के बाद जब राजा किले को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाने लगे तो देवी ने राजा को रोकने की खूब कोशिश की और कहते हैं कि वो रास्ते में ही फंसर गई और राजा को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसकी वजह से किले के मंदिर में स्थापित देवी को पसर देवी के नाम से जाना जाने लगा। खजाने को लेकर एक और बात प्रचलित है। जब राजा नल के सौतेले भाई पुष्कर सारा खजाना हड़पने की कोशिश करने लगा तो देवी उसी खजाने के दरवाजे पर पसर गई। और कहते हैं कि देवी तब से लेकर आज तक खजाने की रक्षा करती आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीसी 24। नरवर का किला अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। इस किले की दीवारों पर कई राजवंशों को उदित और अस्त होते देखा। यहाँ कहीं परिहार, कभी मुगल तो कभी सिंधिया घराने ने अपना परचम लहराया। रियासत काल में इसकी पहचान एक ऐसे किले के तौर पर थी जिसे भेद पाना दुश्मनों के लिए लगभग नामुमकिन था। विंध्य की पहाड़ियों पर बसा है नरवर का किला। पहाड़ी के विशाल चट्टानों पर सदियों से अडिग खड़ा है ये किला। 13 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आबाद इस किले की मजबूत दीवारें गुजरे वक्त की दास्तान सुनाती हैं। चित्तौड़गढ़ के बाद नरवर के किले को मजबूती के मामले में दूसरे पायदान पर रखा जाता है। यहाँ सुरक्षा इंतजाम इतना चाक चौबंद था कि हफ्तों घेराबंदी के बाद भी दुश्मनों के हाथ कुछ नहीं लगता था। किले के पीछे होकर बहने वाली सिंध नदी कुदरती तौर पर दुश्मनों के लिए दीवार का काम करती थी। बरसों गुजर गए लेकिन आज भी नरवर के किले के भीतर कई ऐतिहासिक निशानियां मौजूद हैं। पसर देवी की मान्यता है, उस मंदिर पर लोग जाते हैं, कुछ लोग उनको देवी के रूप में पूजते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि वो खजाने की रक्षा कर रही हैं, लेकिन इसका अन्वेषण करना, इसका शोध करना बहुत जरूरी है, तभी इसका सच सामने आए। जिस जगह पर पसर देवी की प्रतिमा है उसके नीचे खजाने की बात तो कही जाती है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ एक सुरंग है जो आपातकालीन और गुप्त मार्ग भी मानी जाती है, जिसका इस्तेमाल राजा अपनी सेनाओं के लिए करते थे। कहा जाता है कि किले की ये सुरंग
उस दौर में ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा जीवाजी राव सिंधिया के किले में निकलती थी। स्वर्गीय जीवाजी राव के पिता जो उस समय यहाँ के तत्कालीन महाराज थे, उनके समय में भी ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि उनको उस खजाने में जाने का अवसर मिला था। खांडेराव जी उनका नाम था, ऐसा बताया जाता है। तो उनके समय तक वो खजाना अक्षुण था, वो खजाना रहा है ऐसा लोग बताते। राजा नल की नगरी जाना जाता है नरवर, और राजा नल का खजाना जो है यहाँ पर जो पसर देवी जी रक्षा करती हैं उसकी, और काफ़ी सैकड़ों टनों की तादाद में खजाना है। और अभी तक तो अगर माता रानी रक्षा ना करती तो अभी तक तो चोर लोग सब ले जाते इसको। इस किले ने मध्यकालीन इतिहास के पन्नों को पलटते देखा है। किले की पनाह में कई राजवंश पले और बढ़े। महाभारत काल में ये नगर कभी राजा नल की राजधानी हुआ करता था। वहीं 12वीं शताब्दी तक इस नगर को नलपुर भी कहा जाता था। इस किले पर कछवाहा, परिहार और तोमर राजपूतों का अधिपत्य रहा। 16वीं शताब्दी में मुगलों ने इस किले पर अधिकार किया और फिर मालवा के सुल्तानों की सल्तनत इसी किले से चली। 18वीं शताब्दी में मराठों का झंडा भी इस किले पर फहरा है, तो वहीं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठा सरदार सिंधिया ने किले पर जीत का परचम लहराया। समय के साथ ही किले में तब्दीलियां होती गई, लेकिन इसकी पहचान और चमक कभी धुलने नहीं पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। किले के मुख्य द्वार पर 12 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी पसर देवी की मूर्ति की दोनों भुजाओं के नीचे 7-8 फीट गहरा गड्ढा नजर आता है। इसमें सिक्का डालने पर खन की आवाज आज भी आती है, इसलिए इसे धन और खजाने से जोड़ा जाता है। कहते हैं कि सदियों से देवी पसर राजा नल के खजाने की रक्षा करती आ रही हैं और इसके साथ ही देवी इलाके की रक्षा भी करती हैं। ये है देवी पसर का दरबार। इस दरबार में सदियों से चमत्कार होते रहे हैं। देवी पसर राजराजेश्वरी के रूप में पूजी जाती हैं। राजा नल के खजाने की प्रहरी कहलाने वाली देवी पसर का ये धाम अब इलाके में एक जागृत द्वार के रूप में जाना जाता है। कहते हैं देवी राजा के खजाने की सुरक्षा के साथ ही पूरे इलाके की रक्षा करती हैं। तभी तो आज तक इस इलाके में किसी भी तरह की कोई विपदा नहीं आई है। देवी पसर के दरबार में जो भी सच्चे मन से मन्नत मांगता है वो पूरी जरूर होती है। वर्षों से कर रही हैं, बहुत वर्षों से, और ये मतलब खजाना है और उसके ऊपर लेटी हुई हैं, और इनके लेट हुए से ही खजाने की नहीं तो अभी तक तो चोरी हो जाती। नरवर के किले में विराजी देवी पसर के सिद्ध दरबार में हर साल नवरात्रि में मेला लगता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में इस मंदिर में हर एक मुराद पूरी होती है और इसलिए इलाके भर के लोग इस धाम में आते हैं। तो बहुत प्राचीन है, मेला भी भरता है वहाँ, और जहाँ जो लोड़ी माता पे आते हैं वो भी वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए। किले में पसर देवी का दरबार सदियों से लगा है, तभी तो इलाके भर में ये किसी सिद्ध पीठ से कम नहीं। यहाँ लोग दुखों की गठरी लेकर आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो राहतों से झोली भरकर। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अगर आप प्रेम के उपासक हैं और प्रेम कहानियों को जानने के लिए दिलचस्पी रखते हैं तो आप नरवर किले में आकर उसका अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि नरवर किले से जुड़ी हुई है ऐसी कई ऐतिहासिक प्रेम कहानियां जिसमें मानसिंह और मृगनयनी के साथ ही नल और दमयंती की प्रेम कहानी भी जुड़ी हुई है। महाभारत में नरवर किले की चर्चा राजा नल की राजधानी के रूप में की गई है।
नरवर को नलपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ की संस्कृति के अभिलेखों में यहाँ के नाम के बारे में पता चलता है। 12वीं शताब्दी में इस पर कछावा, परिहार और तोमर शासकों का अधिकार रहा। काफी समय तक इस पर मुगलों ने भी कब्जा किया। फिर 18वीं से 19वीं शताब्दी में ये किला मराठों, सिंधियाओं के अधीन आ गया। किले को कछवाहा शासकों ने बनवाया था। इसका पूरा डिजाइन राजपुताना है। वहीं नरवर किले को नल और दमयंती की प्रेम कहानी की वजह से भी जाना जाता है। कहते हैं दमयंती विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी, वहीं नल निषद के राजा भीमसेन के पुत्र थे। कहा जाता है कि दोनों ही बहुत रूपवान थे। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। दोनों एक दूसरे की सुंदरता के बारे में सुनकर ही एक दूसरे को बिना देखे ही प्रेम करने लगे थे। जब दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो उसमें इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम भी आए। चारों स्वयंवर में नल का चेहरा धारण करके आए थे, लेकिन नल की तरह दिखने वाले पांच पुरुषों को देखकर दमयंती डर गई। कहा जाता है कि दमयंती के प्यार में इतनी ताकत थी कि उसने देवताओं से शक्ति मांगकर अपने असली प्रेम को पहचाना और उससे शादी कर ली। वहीं नल अपने सौतेले भाई पुष्कर से जुए में सब हार गए थे, लेकिन अपना सब कुछ हार जाने के बाद नल अचानक गायब हो जाता है। कहते हैं कि दमयंती से अलग होने के बाद नल को ककोरटक नामक सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसका पूरा रंग काला पड़ गया और कोई उसे पहचान नहीं सकता था। वो बाहुक नाम के सारथी बनकर विदर्भ पहुँचा और कहते हैं दमयंती ने अपने प्रेम को पहचान लिया। नल ने अपने भाई पुष्कर के साथ फिर जुआ खेला और अपनी हारी हुई चीजें वापस जीत ली। बता दे कि नल और दमयंती की ऐतिहासिक प्रेम कहानी ही नहीं बल्कि तोमर शासक मानसिंह और मृगनयनी की प्रेम कहानी नरवर किले से जुड़ी हुई है। कहते हैं मानसिंह और मृगनयनी की अजब प्रेम की गजब कहानी यही शुरू हुई। राजा मानसिंह का ग्वालियर से नरवर किले आना जाना शुरू हुआ, तभी मृगनयनी से उनका प्रेम परवान चढ़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीसी 24। अगर आप भी एक गौरवशाली, ऐतिहासिक और रहस्यमय किले को करीब से देखना चाहते हैं, यहाँ घूमना चाहते हैं और यहाँ आसानी से पहुंचना चाहते हैं, तो यहाँ से हम आपको बता दें कि आप यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। नरवर पहुंचने के लिए हर साधन मौजूद है। यह किला काली सिंध नदी के पूर्व में 500 फीट की ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ है। खड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन सीढ़ियों पर चढ़ने की थकान किले तक पहुंचने के बाद तब खत्म हो जाती है जब नजरें वहां की खूबसूरती को अपने अंदर भरने लगती हैं। नरवर किले का पूरा क्षेत्र चार स्थानों में बटा हुआ है। किले के चारों तरफ मन को मोह लेने वाली हरियाली वादियां हैं। चारों तरफ से किला पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसे जितना देखो उतना ही कम लगता है। नजरें उन नजारों को बार बार देखना चाहती हैं। पूरा किला 7 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। किले में एक ही जगह 8 कुएं और 16 बावड़ियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहां से 1600 पनिहारिन एक साथ पानी भरा करती थीं। ऐसा कहा जाता है कि इस विशाल किले के अंदर पूरा नगर बसा करता था। जाहिर से बात है, बाजार भी होंगे, जिसमें से मीना बाजार मुख्य था, जहां से लोग अपनी जरूरतों की चीजें खरीदा करते थे। कहा जाता है कि आज से लगभग 200 साल पहले पूर्व दिल्ली पुना राजमार्ग का प्रमुख नगर नरवर ही था। ये किला खूबसूरत वादियों और संस्कृति से ओतप्रोत है। नरवर किला आपके लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। यहाँ पहुँचने के लिए हर साधन मौजूद हैं। आप हवाई मार्ग,
सड़क मार्ग और रेल मार्ग से पर्सनल वाहन से नरवर आ सकते हैं, जो जिला मुख्यालय से सिर्फ 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ग्वालियर से तकरीबन 82 किलोमीटर दूर। किला मुख्य जिले से ज्यादा दूर नहीं है, आप अपने वाहन से भी किले तक पहुंच सकते हैं। ठहरने के लिए आपको पास में होटल और खाने पीने की सभी व्यवस्था मिलेगी। जिसे प्रेम कहानियों में दिलचस्पी है तो यह जगह उसके लिए भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।